हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को फ्रेश होममेड मसाला मलाई पनीर बना करके दिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने आज अमेज़ॉन से एक पनीर का मोल्ड ऑर्डर करा है, जो कि मैं अभी उसे मम्मी के यहाँ देख कर आई थी और मम्मी उसी में फ्रेश होममेड पनीर तैयार करती थी। बहुत ही अमेजिंग है वो मोल्ड भी और ये पनीर की रेसिपी भी। तो वीडियो में मेरे साथ आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और एक बार आप ऐसे पनीर बनाओगे तो आप बाज़ार के वो आर्टिफिशियल और नकली पनीर से बचोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी ये पनीर का मोल्ड, जिसमें हम घर बैठे बैठे पनीर को बिल्कुल परफेक्ट शेप दे सकते हैं और एकदम बाज़ार वाली पनीर बना सकते हैं। आजकल मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल और नकली पनीर मिल रहा है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता। तो आप भी ज़रूर से ये मोल्ड को ऑर्डर करें, अमेज़ॉन पे बहुत सस्ती है। और आप इसे एक बार ऑर्डर करोगे तो पता नहीं कितने सालों तक आप इसमें फ्रेश पनीर बना सकोगे। ये पनीर मोल्ड मैं अभी गर्मियों की छुट्टी में जब मम्मी के यहाँ गई थी तब वहाँ देखी थी। मम्मी इसी में पनीर बनाती थी और एकदम बाज़ार वाली पनीर बन करके तैयार होती थी। तो आप भी ज़रूर से इसे ऑर्डर करें। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और वहाँ उस लिंक से आप इसे ख़रीद सकते हो, अमेज़ॉन से या किसी भी वेबसाइट से, ऑनलाइन वेबसाइट से। तो चलिए पनीर बनाते हैं। यहाँ मैं एक पैन में ले रही हूँ कंट्री डिलाइट का फुल क्रीम बफेलो मिल्क। तो मैं 3 पैकेट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो ऑलमोस्ट 1350 मिलीलीटर का है, 1.5 लीटर से कम ही है। और इतने से दूध से हम तकरीबन 250 से 300 ग्राम पनीर बना कर के तैयार करेंगे। दूध में अच्छे से एक बार उबाल आ जाए तो उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक। इन सब को हमें अच्छे से 1 मिनट तक चलाते हुए दूध में कुक कर लेना है, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से दूध में डिसॉल्व हो जाए। आप चाहो तो यहाँ और भी मसाले ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते डाल सकते हो, या आप इसमें से कई मसाले छोड़ भी सकते हो। अच्छे से 1 मिनट कुक होने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और अब दूध को हम कडल करेंगे, दूध को फाड़ेंगे। तो यहाँ मैं 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर ली हूँ, जिसे मैं पानी में मिला ली थी, और हल्का हल्का डालते हुए हमें इसी तरीके से दूध को चलाते रहना है। और बस थोड़ी देर में दूध जो है वो कडल हो जाएगी, फट जाएगी, और फिर उससे हम पनीर बनाएंगे। तो आपने देखा 1/2 कप विनेगर पानी का जो मिश्रण था उसे मैं 3 पोर्शन में डाली हूँ और दूध एकदम से कर्डल हो गई। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर पनीर बनाएंगे। इसको छानने के लिए अब मैं यहाँ एक छन्नी ले रही हूँ, उसको मैंने एक बड़े से बोल के ऊपर रखा है। छन्नी के ऊपर मैं किचन का एक मसलिन क्लॉथ ली हूँ। अगर आपके पास ये ना हो मसलिन क्लॉथ, तो आप मम्मी के साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो या किचन का कोई सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें सारे पनीर को इसमें डाल देना है और इसके ऊपर अब हम ठंडा पानी डाल करके इसे 2 से 3 वॉश कर लेंगे, ताकि विनेगर की जो खटास है वो पनीर में ना रहे। 2-3 बार पानी से वॉश करने के बाद हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर हम पनीर मोल्ड में डाल करके इसका एक परफेक्ट शेप देंगे। तो आपने देखा मैं अच्छे से पनीर को धो ली थी पानी से, फ्रेश पानी है ठंडा। और उसके बाद अब इसे अच्छे से हाथों से हमें निचोड़ लेना है, जितना पानी निकल सके आप उतना निकाल लेना। और फिर हम अब
पनीर मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप चाहो तो सिर्फ पनीर को भी डाल सकते हो इसके अंदर, बट मैं कपड़े के साथ ही डाल रही हूँ इसको एक स्क्वायर शेप देने के लिए। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट पनीर बन करके तैयार है और एकदम मसालेदार पनीर बनी है। अगर आप चाहो तो इसका सैलड में इस्तेमाल कर सकते हो, या इससे पराठे बना सकते हो, या इससे कोई बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हो। तो अच्छे से मैंने इसे सेट कर दिया है पनीर मोल्ड में, और कपड़े को भी हम ऊपर से डाल देंगे एक बार अच्छे से फोल्ड करके, और फिर इसके ऊपर जो मोल्ड का ढक्कन था वो लगा देंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये गाइस, ज़रूर से आप इसे मंगाएं और कोशिश करें कि फ्रेश पनीर ही घर में बनाएं और सबको खिलाएं। मार्केट में आजकल पनीर एकदम नकली मिल रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो इस भारी आइटम को मैंने इसके ऊपर डाल के 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, और 30 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट पनीर बन करके यहाँ पे रेडी हो गया है। बहुत ही आसान है इसमें पनीर बनाना, और आप सब एक बार इसे ज़रूर मंगाना और बना करके देखना, बहुत अमेजिंग चीज़ है और इससे आप हमेशा पनीर बना सकते हो इजीली। तो देखिए यहाँ पे मसाला मलाई पनीर बन करके तैयार है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, और इस पनीर से मैं एक वीडियो बनाऊँगी, एक पनीर की रेसिपी बनाऊँगी जो मैं किसी और दिन आपको शेयर करूँगी। अगर आज ही मैं शेयर कर दी तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैंने पनीर को कट कर लिया है क्यूब्स में, मैं आपको इसे उठा करके अच्छे से दिखाती हूँ कि कितना अमेजिंग पनीर बना है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको पनीर मोल्ड चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।